ये तस्वीरें मैं आपको केनाल रोड से दिखा रही हूँ। जम्मू में चंद घंटों की बारिश ने स्मार्ट सिटी की और कितने लोग यहाँ के स्मार्ट हैं और कितना लोगों का नुकसान हो रहा है ये आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए जितना ज्यादा पानी इस सड़क पर है, लोगों को चलने में कितनी मुश्किलात आ रही है। टू व्हीलर पर जितने भी लोग जा रहे हैं आप देखिए कि उनकी आधी से ज्यादा टू व्हीलर जो है वो पानी में है और लोग फिर भी चला रहे हैं। अगर इस गाड़ी में खड्डा हुआ तो फिर सोचिए क्या होगा। ये मैं आप एक वैगन आर देख रहे हैं, इस वैगन आर के मालिक को जो है ये बीच में ही लगानी पड़ी, शायद ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और बंद होने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, ये गाड़ी जो है वो यहीं पर छोड़नी पड़ी है। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कि टू व्हीलर की अगर मैं बात करूं, फोर व्हीलर की बात करूं, मेटाडोर की बात करूं, लोग जो है वो किस तरह से यहां से जा रहे हैं। ये है चंद घंटों की बारिश और जम्मू स्मार्ट सिटी की पोल जो है वो खोलते हुए। सबसे पहले आप ये गाड़ी देखिए जो बिल्कुल मेरे सामने है, ये जो गाड़ी है ये वो स्टक हो गई है, यानी ये पानी में अब कहीं नहीं चल रही। इसके मालिक जो है वो यहाँ से बाहर निकले हैं और निकलने के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ से जो है आगे की पीछे की बात करते वहां पर गए हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बारिश की बात करूं तो ये चंद घंटों की बारिश ने जो है वो स्मार्ट सिटी की पोल खोल के रख दी है। ये देखिए वहां तक लोग जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और वहां से लोगों का जो है वो आना जाना शुरू हो रहा है। ये देखिए वो महिला जो है वो किस तरह से यहाँ पे पानी में जा रही है, ये उनके पास टू व्हीलर है। और हम खुद भी पीछे, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये देखिए यानी ये जो वो नहर है ये पूरी फुल हो गई है। और ये नहर देखिए, इसका ये जो बॉटम है ये देखिए, किसी भी वक्त जो ये बाहर आएगा और ये पानी भी आपको यहाँ पर ही जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है, एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लग चुका है, लेकिन उससे भी जो ये बात जो है वो नहीं बन रही। बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी है और ये देखिए, ये मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये वो है फुटपाथ, ये फुटपाथ तक जो है वो ये पानी आया है। और फिलहाल के लिए मैं अगर आप लोगों को ये तस्वीरें बताना चाहूँ तो ये देखिए तमाम लोग जो है वो किस तरह से यहाँ पर जा रहे हैं और दोबारा से बारिश जो है वो शुरू हो गई है, यानी जो बारिश कुछ देर के लिए रुकी थी वो बारिश फिर से शुरू हो गई है। और यही वो मुसीबत है जो लोगों के लिए बारिश बनी हुई है। जितने भी लोग हैं वो यहाँ से पैदल आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन कितना पैदल चलना है उन्हें नहीं पता। और ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी में इतना ज्यादा पानी है आगे पीछे की ये गाड़ी खुद ही चलने पर, आगे पीछे चलने पर जो है वो मजबूर हो रही है। और फिलहाल मैं ये जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ये जम्मू स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं, जो महज अगर मैं सिटी की बात करूँ तो सिटी में ये एरिया भी पड़ता है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को मुश्किलें हुई है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बार बार कह रहा है कि आप लोगों को जितना भी जलभराव है उससे दूर रहना, यानी जिन भी एरियाज में जो है वो देखिए, मैं जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं ये विकसित भारत है, मैं कहूंगी ये विकसित भारत का, विकसित भारत देखिए आप। ये देखिए लोग जो है वो टू व्हीलर पर जा, ये देखिए लोग टू व्हीलर पर लोग जाते हुए, तो लोगों को जो है काफी ज्यादा मुश्किल आते हो रही है। देखिए घर से ये महिलाएं जो है वो बाहर निकली हैं और बाहर आकर कितनी ज्यादा मुश्किल जो है वो इन लोगों को, और ये फुटपाथ पर लोग चलने के लिए मजबूर हो गए हैं, लोग फुटपाथ पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। और ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये तस्वीरें देखकर आपको समझना होगा और समझने के साथ, ये देखिए ये पानी इतना ज्यादा है कि अब हमें यहाँ पर खड़े भी नहीं रहा जा रहा है। ये देखिए जहां पर मैं हूँ अभी मेरे आधे पांव जो है वो पानी में ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये नहर का पानी भी ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहा है क्योंकि इसमें जो है वो बारिश हो रही है। और फिलहाल लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप इस केनाल रोड का जो रास्ता है जो पवन आइसक्रीम के पास से आता है, आप इस रास्ते को जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि अवॉइड करना रादर देन बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर आप यहाँ से आते हैं। देखिए बहुत मुश्किलों से आना पड़ रहा है, वो देखिए इतना सा पानी रह गया है वो नहर फुल होने के लिए, नहर फुल होने के लिए बहुत थोड़ा सा मार्जिन जो है वो रह गया है। क्या नाम है आपका? हम नेहा। नेहा जी कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही बुरा लग रहा है, लगता है किसी ने गांजा फूक के रोड बनाया है। क्या, एक सेकंड, क्या लगता है किसी ने क्या किया? पक्का किसी ने गांजा फूक के ये रोड बनाया है। गांजा फूक के ये रोड बनाया। बहुत बुरी हालत है, मैं अपने कॉलेज जा रही थी। अच्छा कॉलेज जा रही थी। हाँ। कहाँ तक जाना है आपको? मुझे साइंस कॉलेज तक जाना है। लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे? वही ना, वहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है उस रोड, उस रोड पे जो पवन आइसक्रीम के उस साइड, ये जो पूरी नहर है ये भर गई है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैम क्या ही बोले, आई थिंक सिस्टम खराब है, उन्होंने ड्रेनेज का कोई शायद ये फूल वगैरह रखना चाहिए था ना। बिल्कुल यहाँ पर लगता नहीं है कोई ड्रेनेज सिस्टम है क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए, और जिस तरह से पानी रुका है, ये देखिए नया फ्लाईओवर बना है उसके नीचे के है, और इन्हें कॉलेज जाना है, ये साइंस कॉलेज पहुंचेंगी ऐसी हालत में। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम।
क्या नाम है आपका? ये देखिए इन सबको कॉलेज आना, और ये कॉलेज आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो। देखिए मेटाडोर के हालात देखिए आप। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल ये पवन आइसक्रीम के अपोजिट की दिखा रही हूँ। तो जिनको कॉलेज आना है वो कॉलेज आने के लिए निकले हैं, जिन्हें अपने कामकाज पर जाना है वो कामकाज के लिए निकले हैं, लेट ही निकले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो है ये है हमारी टूटी फूटी स्मार्ट सिटी, इसे पूरी तो नहीं कह सकते। यहाँ पर ड्रेनेज के लिए कोई ब्लॉक खाली नहीं छोड़ा, ड्रेनेज सिस्टम बेटर नहीं है, और कुछ ही देर में ये नहर जो है वो पूरी भर जाएगी। यानी चंद मिनटों की बारिश होगी और ये पूरी नहर ओवरफ्लो हो जाएगी। फिर ये किस किस के घर पर जा रही है, कैसे कैसे जाएगी, उसके बारे में जो है वो कहना मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए आप ये तस्वीरें देखिएगा जनाब। और देखिए लोग आते जाते हमें बता रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी, लोग हमें बता रहे हैं ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन पता तो हमें भी है, लेकिन हम उनको रियलाइज कैसे कराएं कि ये मतलब स्मार्ट सिटी है पर ये अभी लग नहीं रही है। फिलहाल ये देखिए लोगों के घरों के अंदर पानी, लोग पानी में, जहां पर ये खड़े हैं इब्राहिम, ये खुद भी जो है इनके आधे से ज्यादा पैर जो है वो पानी में थे। देखिए जहां हम खड़े हैं वहां पर भी पानी है। और फिलहाल मैं आपको ये बताऊं, आपको वहां देखना है वो देखिए, अगर कुछ बारिश और होती है ये नहर का पानी पूरा बाहर आएगा, और फिर आप खुद हिसाब लगा लीजिए जब इस कैनाल से पानी बाहर आएगा ये कहां कहां जाने वाला है। तो ये चंद घंटों की बारिश ने जो है ये पूरी काया पलट के रख दी। ये वही स्मार्ट सिटी है जिसका ढिंढोरा पीटा गया, ये वही स्मार्ट सिटी है जिसे कहा गया कि स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट सिटी आएगी। लोग तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए लेकिन सिटी हमारी स्मार्ट नहीं हुई। बहुत ज्यादा दुख लगता है, आज लोगों के बहुत सारे एसेट्स जो है वो पानी में खराब हो रहे हैं। बच्ची को कॉलेज आना था, कॉलेज बच्ची जो है वो पहुंच नहीं पाएगी। फिलहाल आपकी क्या राय उसे जरूर साझा कीजिए। और ये देखिए ये सारा पानी। जाने से पहले जमुलटी न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और आप जो है अपने एरिया का सूरत हाल भी हमें बताते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।